पहले नहीं कर पाते थे वो सब कर पाते, अभी चलना मैं 2-3 किलोमीटर चल लेता हूँ, वेरी गुड, स्टेयर्स चल जाता हूँ, ये सब आप ऑपरेशन से पहले नहीं कर पाते, नहीं स्टेयर्स चल नहीं पाते, पकड़ पकड़ के बांह पकड़ के चढ़ाते थे, अभी ये सब आप कर सकते हैं, मैं अपने से चल जाता हूँ, वेरी गुड, 10-20 सीढ़ियाँ और उत्तर आता हूँ और पैदल चल देता हूँ, अच्छी मॉर्निंग वॉक कर लेता हूँ। तो यूजुअली सामान पे ऐसा रहता है, नॉर्मली समाज में सब लोगों में स्पाइन के ऑपरेशन का या फिर रीढ़ के हड्डी के ऑपरेशन के बारे में काफी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होते हैं, काफी गैरसमझ रहते हैं, तो उनके लिए आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे? हमारा मैसेज ये है, हमको भी ऐसा लोगों ने कहा था कि बड़ा खतरनाक ऑपरेशन होता है, लोग पागल हो जाते हैं, लगवा मार देता है, कर देता है, लेकिन मैंने आश्वासन पा के कराया, मैं एकदम ठीक हूँ और सबको इसे ऑपरेशन कराना चाहिए ताकि लोग उससे छुटकारा मिल सके। जी अगर आज से 10 या 12 साल पहले होता है डेफिनेटली थोड़ा बहुत टफ होता था, क्योंकि स्पाइन के ऑपरेशन में पूरी बॉडी ओपन होती है, लेकिन अभी नई टेक्नोलॉजीज आ गई है और यहाँ पे जितना एटलीस्ट संचेती पे तो मैंने देखा है कि जितने भी लेटेस्ट इक्विपमेंट और समथिंग है।